आज सीबीआई ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ केस दर्ज किया और दिल्ली और देहरादून में छापेमारी की। सीबीआई ने छापे के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने का दावा किया है। अब विरोधी पार्टियां सीबीआई पर हमला बोल रही हैं। एनडीटीवी ने भी देर शाम एक बयान जारी कर कहा कि उसने बैंक का कर्ज चुका दिया है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। सीबीआई ने एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणव राय के घर और दफ्तर पर छापा मारा है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई के अधिकारी सुबह 7:30 बजे प्रणय राय के ठिकानों पर पहुंचे और छापेमारी की कार्रवाई देर शाम तक चलती रही। सीबीआई ने इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने अपने FIR में प्रणय राय, राधिका राय के अलावा उनकी कंपनी और ICICI बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। सीबीआई के मुताबिक प्रणय राय और उनकी कंपनी ने एक बड़ी प्राइवेट कंपनी से 500 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस लोन को चुकाने के लिए उनकी कंपनी ने ICICI बैंक से 375 करोड़ का लोन 19% ब्याज की दर से लिया। आरोप है कि लोन चुकाने के लिए प्रणय राय की कंपनी ने प्रमोटर्स की सारी शेयर होल्डिंग्स को शेयर धारकों को बताए बिना गिरवी रख दिया। आरोप है कि शेयर गिरवी रखे जाने की जानकारी न तो सेबी को दी गई, न स्टॉक एक्सचेंज को और न ही सूचना प्रसारण मंत्रालय को। आरोप है कि इन लोगों ने 61% शेयर गिरवी रख दिए, जो बैंकिंग एक्ट 19 का भी उल्लंघन है। आरोप है इसके अलावा ICICI बैंक का लोन भी प्रणय राय और उनकी कंपनी नहीं चुका रहे थे, जिसके बाद बैंक ने उनसे एक मुश्त लोन चुकाने का फैसला किया और बैंक ने अपनी ब्याज दर 19% से घटाकर 9% कर दी, जिससे बैंक को 48 करोड़ का नुकसान हुआ। इस मामले में बैंक के भी कुछ अधिकारियों की प्रणय राय को फायदा पहुंचाने के आरोप की जांच की जा रही है। सीबीआई का कहना है कि छापे के दौरान उन्हें अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। साथ ही इस मामले में सीबीआई के FIR के बाद अब कुछ दूसरी जांच एजेंसियां भी मुकदमा दर्ज कर सकती हैं। एनडीटीवी ने सफाई दी है कि आरोप उस एक लोन से जुड़ा लगता है, जिसे प्रणय राय और राधिका राय ने 7 साल पहले ही चुका दिया था। ऐसे समय जब कई उद्योगपतियों ने लाखों करोड़ों रुपए का बकाया नहीं चुकाया है और उनमें से किसी के भी खिलाफ सीबीआई ने कोई आपराधिक केस नहीं दर्ज किया, तब सीबीआई ने न सिर्फ एक FIR दर्ज की है बल्कि ऐसे लोन के लिए तलाशी ली है जिसे ICICI बैंक को विधिवत पूरी तरह चुकाया जा चुका है। ऊपर से ICICI भी एक प्राइवेट बैंक है। NDTV पर छापे के विरोध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, हम डॉक्टर राय और NDTV ग्रुप पर छापेमारी की कड़ी निंदा करते हैं। ये स्वतंत्र और सत्ता विरोधी आवाजों को बंद कर देने का प्रयास है। NDTV के मालिक पे और उनके आवाज पे जिस तरह से रेड हो रहा है, व्हाट एल्स कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट? इस सरकार से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? रेड्स कंडक्टेड बाय डिफरेंट एजेंसीज ऑन ए पर्टिकुलर चैनल प्रमोटर्स हैज नथिंग टू डू विद द freedom of press. This is not an action against the organization, it's an action against the promoters. ये है ABP News, आपको रखे आगे।